हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करेंगे जहाँ पे क्रिकेट का महाकुंभ इंडिया का त्यौहार यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। फैंस को इस लीग का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता क्योंकि दो महीने तक चलने वाला आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। तो आगे बात करेंगे आईपीएल सीजन 17 का सेकंड मैच दो ऐसी टीम्स के बीच में जिन्होंने आज तक कभी टूर्नामेंट नहीं जीता। एक साइड जहां पे ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स है तो वहीं दूसरी साइड हमें शिखर धवन की पंजाब किंग्स है। यह मैच 23 मार्च को चंडीगढ़ के MYS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 65% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। वहीं आगे बात करें इनके एवरेज स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 187 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 156 है। वहीं आगे बात करेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड देखेंगे जहाँ पे दोनों के बीच में 32 मैच टोटल खेले गए जिसमें से पंजाब 16 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स भी 16 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम इस बार मजबूत इरादों के साथ आई है और टीम के लिए गुड न्यूज भी है क्योंकि उसके रेगुलर कप्तान यानी ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, खेलने के लिए पूरी तरह फिट भी है। उन्होंने बहुत मेहनत की, अब देखना वापसी के बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जहां पे टॉप ऑर्डर में आपको डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में जहां पे ऑलराउंडर मिचेल मार्शन, क्रिस्टन स्टब जो टीम को बैलेंस करेंगे, साई और जैक फ्रेशर को प्लेइंग 11 में मौका मिलने का कम ही चांस है। लो ऑर्डर में जहां फिनिशिंग के लिए ऋषभ पंत, अक्षर पटेल जो टीम को रन चाहिए होगा। बॉलिंग में बात करेंगे जहां पे साउथ अफ्रीका पेसर एंड्रिस नॉर्डी जो इस सीजन में फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं, जहां पे मुकेश कुमार, खलील अहमद पेसर अटैक को लीड करेंगे। जहां पे स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया टीम के कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जो टीम के प्लस पॉइंट है, एक्सपीरियंस बॉलर जहां पे ईशांत शर्मा को भी चांस मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया के जहां पे जी चार्सन को भी टीम को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी का प्लेइंग 11 देखते हैं जहां पे पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श है, ट्रिस्टन स्टब्स है, ऋषभ पंत है, ललित यादव है, अक्षर पटेल, एंड्रिस नॉर्जी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद या ईशांत शर्मा। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम के नाम बदल लिया, कप्तान बदल लिया, हर चीज कर लिया लेकिन फिर भी टीम अब तक ट्रॉफी जीत नहीं पाए। इस बार भी टीम के कैप्टन शिखर धवन है। टीम ने इस बार कुछ नया और एक्सपीरियंस फॉरनर प्लेयर को टीम में ऐड किया है। टीम के लिए ओपनिंग में जहां पे इंग्लैंड के जॉनी ब्रेयस्टो एंड शिखर धवन स्टार्ट करेंगे। टीम का मिडिल ऑर्डर जहां पे अनएक्सपीरियंस वीक दिख रहा है जिसमें आपको प्रभ सिमरन सिंह है, हरप्रीत भाटिया, जितेश शर्मा है, सिकंदर राजा, रिलीज ओसो को टीम में प्लेइंग 11 में चांस दे सकती है। यहां पे लोअर ऑर्डर में इंग्लैंड के सैम करन, लाइम लिविंगस्टोन टीम के लिए मैच फिनिश करेंगे। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग यहां पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जहां पे कशिगो रावा जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इंडियन पेसर जहां पे हरदीप सिंह एंड हर्षल पटेल टीम में ऐड हुए हैं, जहां पे नाथन एलिजस और क्विक वॉक्स की जोड़ी टीम को सफलता दिला सकती है। वहीं पे स्पिन बॉलिंग में जहां पे राहुल चहर है। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं जहां पे शिखर धवन है, जॉनी ब्रेयस्टो है, प्रभ सिमरन सिंह है, हरप्रीत भाटिया, जितेश शर्मा, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, हर्षल पटेल है, राहुल चहर, दीप सिंह, कशिगो रावा। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन की ओर। दोनों टीम आईपीएल का स्टार्ट से ही खेल रही है लेकिन आज तक टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। इस बार दोनों स्क्वाड स्ट्रांग लेकर आई है, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार दोनों में से कौन सी टीम इस बार जी जान लगाकर मैच में परफॉर्मेंस करेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बने यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स होगा, यहाँ पे पंजाब किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।